यूक्रेन में छेड़े गए व्लादिमीर पुतिन के युद्ध को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए नग्न होने के बाद अब मॉडल कैप्रिस बोरेट का मानना है कि नग्नता अभी भी संभावित रूप से दोनों देशों के बीच जंग को खत्म करने में अहम भूमिका निभा सकती है। और 51 वर्षीय मॉडल ने मैफियर में ही मॉडॉक्स टैवर्न में आयोजित नई फिल्म द लॉयर आयोजित के बाद रिचर्ड एडन से कहा कि मुझे लगता है कि अगर पुतिन यूक्रेन से बाहर निकलते हैं तो मैं उन्हें कुछ नग्न तस्वीरों का वादा करते हुए एक पत्र भेज सकती हूँ। अगर उन्होंने युद्ध को रोक दिया तो मैं ऐसा करूँगी। मॉडल ने आगे कहा कि ये सोचती है कि क्या रूसी राष्ट्रपति वास्तव में जीवित है। मैंने एक अफवाह सुनी है, पुतिन मर चुके हैं और मुझे इस बात की चिंता है कि उनका स्थान कौन लेगा, क्योंकि वे और भी बुरे हो सकते हैं। रूस यूक्रेनी के बीच युद्ध फरवरी 2014 से चल रहा है और एक साल पहले फरवरी 2022 में रूसी सेना ने यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर आक्रमण शुरू किया, जो अभी भी जारी है। मेल ऑनलाइन ने खुलासा किया है कि अपने सुनहरे दिनों में कैप्रिस ने एक बार गलती से ड्रग्स लेने की भी कोशिश की थी। मॉडल ने कहा कि अब वो एक अच्छी जगह में है, क्योंकि शराब ने उनके जीवन पर असर डाला है और अब वो अपने दोस्तों के साथ रहने की कोशिश करेंगी। ऑन ए मिशन पॉडकास्ट पर होस्ट एली मैकेक से बात करते हुए कैप्रिस ने स्वीकार किया कि मैंने गलती से एक बार ड्रग्स लेने की कोशिश की थी। कहानी के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि ये आपको तार-तार महसूस करा सकता है। मेरा पीरियड था और एंथन थी और इसी दौरान ही इसलिए एस्प्रिन समझकर मैंने दो गोलियां ले ली और मैं फिर जिम गई और मैं रॉक आउट कर रही थी और तभी अचानक सब कुछ अजीब हो गया। मैं फर्श पर गिर गई और कहा, यहाँ क्या हो रहा है, मुझे कुछ नहीं होश नहीं था। एक ऐसी चीज थी जिसमें मैं कभी शामिल नहीं हुई। और क्या मैंने बहुत शराब पी थी? हाँ, लेकिन भगवान का शुक्र है कि मैंने ड्रग्स नहीं किया, क्योंकि मैं आज जहाँ हूँ वहाँ से अलग जगह पर होता और उस वक्त हर कोई ड्रग्स कर रहा था।